गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ सुबह सुबह आएंगे 7 बज रहे थे और मैं जग चुकी हूँ। और फटाफट से इतनी गर्मी होती है कि अपने आप ही नींद खुल जाता है। और इस हॉस्टल में आने के बाद एक चीज़ अच्छी हो गई है कि इस रूम में लाइटिंग बिल्कुल क्लियर आती है, तो नींद सुबह खुल हाय जाती एवरीवन, है। हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और आपका स्वागत है हमारे और आपके ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम अप्पा गर्ल में। सो अभी सुबह के आएंगे 7 बज रहे हैं और मैं सो के जग चुकी हूँ। यह सो के जग चुकी हूँ तभी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करा है। तो आज बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, तो आज सोचा मैंने कि चलो आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें बातें भी करूँगी और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो कैसे अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करती हूँ और ये सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह जगने के बाद एज़ यूज़ुअल मैंने गर्म पानी और चाय पी लिया है। और मैं नीचे फ़ोन ले जाना भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो सूट नहीं किया। और फिर उसके बाद आके ब्रश करने लग गई। और यहाँ मेरे को अचानक से याद आ गया कि एक बच्चे ने कमेंट करा था कि दीदी ब्रश करते हुए मत दिखाओ, बहुत अजीब सा लगता है। ये देखो मेरा अजीब सा मुंह। सो यहाँ नाश्ता भी मिल चुका था और नाश्ते में आज मिली थी चने आलू की सब्जी और लिट्टी। तो मैंने सोचा चलो ब्रश कर लिया है तो खा भी लेती हूँ। और ये देखिए बगल में केला रखा है, बट इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा इसका फेस पैक बना लूँगी। और यहाँ मैं फटाफट से खाने लग गई हूँ। तो यहाँ मैं नहा धुल के फ्रेश होके आ चुकी हूँ और ये देख रहे हैं अभी जस्ट नहा के आई और पसीना पसीना, गजब की गर्मी है भाई। पटना में गजब की गर्मी है और जबकि रूम में फ़ैन और कूलर दोनों चल रहा है। और मेरा चश्मा भी टूट गया है, मैंने फेविक्विक से काम चलाने के लिए यहाँ चिपका तो लिया है बट इससे काम तो चलेगा नहीं। तो उससे पहले जितने भी नीट 2024 के स्टूडेंट्स हैं, इस टाइम पे हर किसी का नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे मेन चीज़ें मन में आती है कि अपन क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले, कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा नीट 2023 को अच्छे से, मतलब उससे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि टकराया था, तो इस तरह की चीज़ें। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू मेमोनेट ऐप। सो इस ऐप के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है एंड मैंने इस ऐप को पिछले साल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सो अगर नीट 2023 की बात करें तो अपने को भी पता है कि अब असेशन रीजन क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं, तो इसके लिए एक अलग सेक्शन ऐड किया गया है रिगार्डिंग असेशन रीजन क्वेश्चंस। अगर बात करें जैसे बायो की बात करें तो बायो में आपको बोटनी जूलॉजी दोनों मिल जाएगा। आपको जैसे अपन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपने को मन होता है ना कि अब पज़ल खेल लेते हैं या फिर कुछ पॉडकास्ट है वो सुन लेते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐप हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। सो अगर अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिज़िक्स में फार्मूला की कितनी इंपॉर्टेंस है तो ये तो सबको पता है, तो फार्मूला के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। एंड अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों मिल जाएगा। और निम्न रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पता है, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि निम्न रिएक्शन के लिए एक अलग सेक्शन है, वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो कवर। और इसमें भी आपको फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो एक बार आप ट्राई करना। सो मैंने सारे जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं एंड प्लीज़ एक बार जाके आप ट्राई करना बिकॉज मेरे को पिछले साल बहुत हेल्प किया था इस ऐप ने। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। Thank you.
दिन किताबों में हम भी ओ तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओ पर एक दिन मैं बन के दिखाऊंगा सबको जो दिन मैं जीत के पाऊंगा कीर्ति जो दिन मैं जान बचाऊंगा किसकी बायोलॉजी दिल में केमिस्ट्री है मन में फिजिक्स मेरी नींद खोले मेमोनीड है तो मुझको न कोई चिंता है किसी की मैं अपने मन के मंदिर को साफ रख लूंगा कोई भी ना मैं बात सुन लूंगा मैं हर रात दिन एक कर बड़ी मेहनत कर लूंगा आंखों में पानी मन में अंधेरा दर्द ने लिया बसेरा मन मेरा बोले तू थक गया है दिल मेरा बोले तू कर सकता है तो पढ़ने के बाद ऐसे ही कुछ कुछ सोचने के बाद टाइम हो गया था डिनर का। तो आज डिनर में मिली थी पूरी आलू की सब्जी और खीर, तो यहाँ मैं फटाफट से खा रही हूँ। एंड यस, अभी मैं कैमरा नहीं फ़ोन ले जाना नहीं भूली, तो तभी मैं शूट कर पा रही हूँ। तो फटाफट से खा लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यस, प्लीज़ सजेस्ट करना कि मेरे को क्या करना चाहिए। आज मेरे को बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। एंड यस, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा था वो जितने भी नीट वाले स्टूडेंट हैं वो सारे रिलेट कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी सुनना, बहुत ही अच्छा फील देता है, बहुत मोटिवेटेड फील कर, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेटेड सा लगता है कि यस ये चीज़ें अपने को चाहिए या यही चीज़ें तो अपन सोच रहे हैं। तो वो गाना बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो तक पक्का मैं क्लियर हो जाऊँगी कि मेरे को क्या करना है। यू विल नॉट बिलीव, ये देखो मैंने नोट्स पूरे नए ला के बस रखे हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ। यू कैन सी, सो पक्का डिसाइड कर लूँगी कि मेरे को क्या करना है। एंड इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पीडब्ल्यू ने क्या गिफ्ट हैम्पर भेजा है। सो चलो बाय।